अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर देखो 90 डेज़ का मेरे पास ये ग्राफ है और शुरू में देख लें आप व्यूज़ 1, 2, 3, 4 इस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं और यहाँ पर मेरी वीडियो ने बूस्ट किया 10,000 को टच जो है वो किया। तो यहाँ पर देखें 11,000 व्यूज़ जो है वो मैंने कैसे यूट्यूब से शॉर्ट से हासिल किए हैं। और ये चैनल मेरा जो नया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 2 महीने हुए हैं और इस पर भी मैं जो है वो वर्क कर रहा हूँ और इस ट्रिक को जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब शॉर्ट को जो है वो बूस्ट करवा सकते हो इस ट्रिक के जरिए से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूँ तो देखो यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर पहले कितने आ रहे थे, देखें आपके पास 5, 1, 2 इस तरह 9 और यहाँ पर देखें अब हमारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 25, 16 और यहाँ पर लास्ट कल का जो डेट 27 की थी नवंबर की 20 सब्सक्राइबर ने गेन किस तरीके से किया। तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आपने यूज़ क्या करनी, एक तो आपने रेगुलर जो है वो वीडियोस डालनी है और हैशटैग जो है वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखो आपके पास एक जो है व्यूज़ लास्ट 48 ईयर्स का जो है एक डेटा आ रहा होता है। जब भी आपने अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी है तो आपने अपने लास्ट 48 घंटे को लाजमी देखना है। तो यहाँ पर देखो अब जो आपका टाइम जो है वो आ रहा है वो 12 से 1 बजे का है, यानी 12 से 1 बजे रात को जो है वो मेरे जो व्यूज़ आए थे तकरीबन 5,000 व्यूज़ जो है इसने गेन किए। तो मैं पहली वीडियो जो शॉर्ट डालूंगा अब नेक्स्ट वो मैं डालूंगा 12 बजे और दूसरी वीडियो मैंने कब डालनी है तो देखिए यहाँ पर 1500 व्यूज़ आ रहे हैं तो दूसरी वीडियो जो है वो मैं सुबह 4 बजे डालूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप जब YouTube शॉर्ट की तकरीबन वीडियोस डालते रहेंगे तो इस तरीके से जो है वो आपका एक डेटा यहाँ पर लास्ट 40 आवर्स का जो है वो इकट्ठा होगा। तो आपने यहाँ से टाइम अपना चेक कर लेना है और इसी टाइम पे आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो यकीन जाने इस तरीके से आपकी व्यूज़ आएंगे जैसे मैंने गेन किए।